लड्डू वाले भक्त की एक कहानी जो आप सुन करके हैरान हो जाओगे। एक बार की बात है कि एक सेठ था और वह हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 5 किलो लड्डू चढ़ाता था। थोड़ा चढ़ाते 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 उसके ना मन में अहंकार भर गया कि वो बोलते मेरे समान कोई भी नहीं है, मैं ही ऐसा ऐसा भक्त हूँ जो हनुमान जी में हर मंगलवार को 5 किलो लड्डू भेंट करता हूँ। अब क्या होता है, एक बार की बात है, वो अपने बच्चे को कहता है कि चलो मैं आज तुम्हें प्रसाद खिला के लेके आऊँगा, आप मेरे साथ चलिए। अपने बच्चे को ले जाता है और वहाँ सभी उसको कि सेठ जी आ गए, नमस्कार सत्कार करने लगे, कोई बात नहीं। अब बच्चा वहाँ पे एक बैलून वाला भी आ जाता है तो बच्चा बैलून को देख के रोने लगता है कि मुझे बैलून चाहिए, लेकिन उसके पिताजी डांट लगाते हैं, लेकिन बच्चा जिद पकड़ लेता है, नीचे मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन बच्चे की जिद होती है। ये बात जब बैलून वाले को पता चलती है तो वो बेचारा वहाँ से आता है और उसे एक बैलून पकड़ा देता है और उस सेठ को ना गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम ऐसे ही लोग होते हो, यहाँ चले आते हो पैसे बनाने के चक्कर में, ऐठने के चक्कर में। तो वो बोलता है सुनो सेठ, मैं यहाँ बेचने के लिए नहीं, मैं बच्चों को बांटने के लिए आता हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि बच्चों में भगवान होते हैं। और इतना कहकर के वो चला जाता है। अब उस भक्त के मन में वो बात उठती है कि मैं तो इतना अहंकारी हूँ जो ये कहता हूँ कि अरे मैं 5 किलो लड्डू बांटता हूँ, 5 किलो और ये एक गरीब और 100 हर मंगलवार को 100 बैलून बांट के जाता है। और ये वो अपने में ना बहुत हैरान हो गया कि देखो हमसे भी अच्छे भक्त पड़े हैं, बताते भी नहीं है। तो कहते हैं ना हमें मेहनत करते रहना चाहिए, हमें दिखावे के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, हमें मन से तन से और धन से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति भगवान को समर्पित होनी चाहिए न कि दिखाने के लिए। तो हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए और गरीबों के लिए भिखारियों के लिए दान पुण्य करता रहना चाहिए। तो उस भक्त के मन में जिज्ञासा जागी कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।